हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पीसी से डिलीट हुई पिक्चर्स को, फाइल्स को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, या फिर अपने पेन ड्राइव में कोई चीज़ आपने रखी है अगर वो डिलीट हो गई तो उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, या फिर आपके एसडी कार्ड में कुछ पिक्चर थी वो डिलीट हो गई तो आप किस तरीके से उसको रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, हम कोई में कंप्यूटर में कोई फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, वो जाती है रिसाइकल बिन में। अब रिसाइकल बिन में से हमने डिलीट कर दिया तो हम सोचते हैं कि हमारी फाइल एकदम से डिलीट हो गई। एक्चुअली में वो एकदम से डिलीट नहीं होती, वो हमारे हार्ड डिस्क में होती है, बस उसका एड्रेस हमको शो नहीं होता, वहाँ पर रहती है जब तक हम वहाँ पर कोई और चीज़ पेस्ट नहीं कर देते या कोई और चीज़ को वहाँ पर हम राइट नहीं कर देते, तब तक वो फाइल वहाँ पर रहती है। जैसे ही आप कोई और फाइल वहाँ पर उसकी जगह पर आप पेस्ट करते हैं, वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ को रिकवर करना चाहते हैं तो उस जगह पे कोई भी फाइल को आप पेस्ट मत करिए, अदरवाइज़ आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपनी कोई भी फाइल को, अपनी कोई भी डिलीट हुई फाइल्स को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम वो सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है। अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, अपने ब्राउज़र में लिखेंगे रिकोवा, RECUVA, रिकोवा इंटर कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए रिकोवा खुल गया। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप रिकोवा, डाउनलोड रिकोवा फाइल एप्पो से आप डाउनलोड कर करिएगा। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, आप यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने पहले से किया हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहां पे आया था। चलिए, मैं इसको बंद कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, लिए मैं कोई फाइल्स डिलीट करके देख लेता हूं। यहां पे गए, यहां पे मेरी पिक्चर है यहाँ पर, चलिए मैं इसको इन सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, चलिए अब इसको रिसाइकल बिन में चलते हैं अपने। फ्रेंड्स, से देखिए यहाँ मेरी पिक्चर आ गई और कुछ भी मैंने पहले डिलीट किया हुआ था, तो इसको मैं खाली कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने खाली कर लिया यहाँ से, ये एकदम गायब हो गई। चलिए, तो इसको हम रिकवर कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा सॉफ्टवेयर रिकोवा, इसको मैं ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए आ गया, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है कि आपकी फाइल जो थी वो पिक्चर में थी, म्यूजिक में थी, डॉक्यूमेंट्स में। अगर आपको नहीं पता तो आप ऑल पे क्लिक टिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी फाइल जो थी पिक्चर थी मेरी, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से। फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है कि आपकी फाइल कहाँ पर थी, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप आई एम नॉट श्योर पर क्लिक कर सकते हैं, मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर इसको बात दे देता हूँ कहाँ पर थी मेरी। मेरी सी ड्राइव में थी, सॉरी, ई ड्राइव में थी मेरी। ओके कर देता हूँ, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है इनेबल डीप स्कैन, आप इसको डीप स्कैन के लिए इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको इतनी ज़रूरत पड़ेगी डीप स्कैन की। अगर आप चाहें तो, अगर आपको कोई और फाइल्स आपको पता नहीं है तो आप डी स्कैन कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी फाइल्स आ गई, मेरी फोटो पिक्चर्स आ गई, जो भी थी डिलीट हुई। अब आपको रिकवर कैसे करना है यहाँ से, अब जिसको रिकवर करना है यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ पे आपको टिक करना है इस फाइल्स फोटो पे, टिक कर लेंगे यहाँ पे। इसको रिकवर पर क्लिक कर देंगे, रिकवर पर क्लिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है, जहाँ से आपने इसको डिलीट किया था आप वहाँ पे इसको पेस्ट मत करिए, हो सकता है ये पूरी तरीके से वहाँ पर इसको रिकवर नहीं कर पाए, तो इसको आप अदर जगह पे सेव कर लीजिए। मैं इसको डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए ये बता रहा है ये रिकवर हो चुकी है, इसको मैं ओके कर दूँगा, इसको मैं बंद कर दूँगा यहाँ से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी जो पिक्चर थी ये यहाँ पे आ गई है, जो मैंने डिलीट की हुई थी, रिसाइकल बिन से भी डिलीट किया था मैंने। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है अपनी पेन ड्राइव्स में लगा के जो है, जो भी आपकी डिलीट हुई है
आपको उसको रिकवर कर सकते हैं, आपकी एसडी कार्ड है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो फाइल डिलीट हुई है उसके जगह पे कोई दूसरी फाइल आप उसमें पेस्ट मत कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एक और ज़रूरी बात, अगर आपकी कोई फाइल्स जो है डिलीट होती है उसके बाद आप जाके इसको डाउनलोड करते हैं, फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो सकता है कि आप इसको डाउनलोड करने जाएं ये वही उसी जगह पे पेस्ट हो जाए जहां आपकी पहली फाइल थी। तो इसलिए आप इसको पहले ही इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करके अपने डेस्कटॉप पर रख लीजिए। जब भी आपकी से कोई गलती से जो है परमानेंटली कोई फाइल डिलीट हो जाए, आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।